क्या है ये टर्की टोपी पहन लिया तो टर्की में आ गया समझ रहे? नहीं मेरी जान, वो मिडिल ईस्ट तो गए नहीं लेकिन वहाँ का जो स्पाइसी इंफ्यूज अलबेक का जो ब्रॉस्ट रहता ना वो वाला खिलाने वाला हूँ आज मैं। चीजी पिज्जा, सॉसी बर्गर, वो धुआंदार सिजलर्स, क्रिस्पी रोल, अरे क्या क्या की है यार वो। मैं हूँ खुर्शीद, वेलकम टू चैनल फुक्का नवाब। चलिए अपन अपना लुलु मॉल, लुलु है वो। अब लुलु क्या है बोले तो लुलु आई डोंट नो, लेकिन केरला का ब्रांड है ये, मल्लू ब्रांड है, वो भी दुबई में एकदम धूम मचाया सो है। अब वहाँ का हैदराबाद में आया, हैदराबाद की ओपनिंग हो के जमाना हो गया, लेकिन अपन अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं ये क्रिस्पी बेहतरीन फ्राइड चिकन से, जबरदस्त क्रिस्पी तो दिख रहा है। अलबेक है इसका नाम है, अब ये ओरिजिनल सऊदी का अलबेक है नहीं है वो नहीं मालूम, लेकिन इनके पास वो स्पाइस्ड इन्फ्यूज्ड जो अंदर बोलते नहीं कि फ्राइड चिकन के पूरे मसाले और स्पाइस डालते वो वाला ले लिया अपन। बाहर से क्रिस्पी टेक्सचर वाली है जो स्किन है वो, और अंदर जूसी चिकन होगा। चलो भाई, जबरदस्त क्रिस्पी स्किन रहती नहीं फ्राइड चिकन की वो है। एक टिपिकल फ्राइड चिकन के वैसे दिखा मेरे को बाहर से वो क्रिस्पी टेक्सचर और अंदर से जूसी, अंदर आ रहे थोड़े मेरे को वो मसाले, एक ग्रेवी कैसी रहती है अपनी चिकन की वैसे ग्रेवी के वो मसाले दिख रहे अंदर जो ना स्पाइस इन्फ्यूज हो रहे, अच्छे अच्छे वो फ्लेवर्स में। साइज कम है ज़रा, अगर साइज बढ़ा रहता तो उसको सुपर वैल्यू फॉर मनी बोल दे सकते थे भाई। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन ले लिए ये जबरदस्त रोल, जिसको देखने के बाद खाली मेरे मुंह में पानी आ रहा, अंदर की फीलिंग बहुत प्यारी है, शेजवान की है, इसका नाम कहते हैं रोल किंग्स है। रोल किंग के पास से अपन ये लच्छे पराठे वाला रोल ले लिए, बिस्मिल्लाह बोल के अपन क्या करेंगे निवाला ले लिए। अंदर की फीलिंग लाजवाब है, हरी चटनी, मायनीज और बारीक प्याज है, और शेजवान चिकन का वो जो फीलिंग है टू गुड है। अंडा नहीं है इसमें जैसा एक फ्रैंकी में रहता अपन जो खाए हुए टिक फ्रैंकी में, लेकिन ये लाजवाब है। अंदर की फीलिंग बहुत पसंद आई मेरे को, जमान गल्ला पूरे हर जगह गया मालूम, वो मिर्ची मार रही मेरे को। एनी हाउ ये हो गया, नेक्स्ट क्या है अपन वो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट ले लिया अपन ये जबरदस्त चीजी पिज्जा, ऐसा खींचे तो चीज ऊपर तक आ रहा, दिखने में तो बहुत लाजवाब है। गो पिज्जा की तरफ से है, प्राइसिंग भी क्या है मालूम 350 रुपीज में, इसका शेप गोल जाके रेक्टेंगल हो गया, पहली बार देखे अपन ऐसा पिज्जा। पेपर चिकन पिज्जा है ये चीज वाला, ऐसा लिए सबसे पहली चीज पर का चीज तो ऐसी चीज है जिस चीज को आप ना चीज नहीं बोल सकते। फिर दूसरी चीज ब्रेड, जो पिज्जा की ब्रेड रहती है, ब्रेड इतनी मुलायम और नरम है ना, फ्लफी फ्लेकी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्टली फिट बैठ रहा मेरी जबान पे। क्योंकि पेपर चिकन है तो ऑलरेडी उन्हें स्पाइसी रहता ही रहता, लेकिन अपन स्पाइस के दीवाने चरपटे है तो क्या करते अपन, ऐसा अपन ये डाल लिए पूरा दबा के, ओरेगानो जरा गाय भाई दादा ही पसंद, उसके ऊपर अपन ये डाल लिए ऐसा सॉस। वाह क्या फ्लेवरफुल हो गया होगा ये, आप सोचो, आप खाली सोच सकते देख सकते, मैं यहाँ पे फील और एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। इसका चीज लाजवाब, इसका ब्रेड लाजवाब, साथ ही साथ प्राइस भी बहुत वैल्यू फॉर मनी दिखा मेरे को। कैसा भी आए तो गो पिज्जा पे ये ट्राई करना जरूरी है। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन क्या करें मालूम, सिजलर देखने को गए तो जबरदस्त 40 सिजलर से सिजलर ऑर्डर कर दिए। उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये डब्बा जैसा रेडी रहता ना उन्हें ये डब्बा बजाता, ये जो भी वो बजे तो बताता हूँ मैं आप। 2000 years later जबरदस्त बज रहा देखा, वाइब्रेटर दबा के आओ जी जल्दी ले लेंगे। या क्या वजन है यार ये, अरे रे 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 रे, मजाक से हट गए 10-15 किलो होंगे। क्या फेंक रहा है रे, फेंक रहा भाई। हाँ भाई ले लिया अपन जबरदस्त ये स्पाइसी चिकन सिजलर, वो भी 40 सिजलर्स की तरफ से, बहुत हॉटी हॉटी गरम गरम देख के चाह रहा। एक स्किलेट को लो आखिरी जिल्लत की आंख से गरम करके ये पूरे चीजा रख देते। काफी वेजिटेबल्स है इसमें, इसमें गाजर है, इसमें कॉर्न है, टमाटे है, ब्रोकली है, कितने की फ्राइज है, चिकन स्टेक है और नूडल्स, ऑल इन ऑल पूरा एक बैलेंस है कितने की टेक्सचर्स का कितने की फ्लेवर्स का। अब अपन स्पाइसी वाला ले लिए तो बिस्मिल्लाह बोल के एक बार खा के देख लेंगे। खाली फ्राइज आखिरी गरम है, गलती से भी मुंह में नहीं डाल लेना तो मालूम ना आपको मैं क्या बोलता हूँ, जबान जल गई तो अत्ते तुम अत्ते ऐसा करना पड़ता।
आगरी गरम दा नूडल्स है, एक टिपिकल पतले नूडल्स कैसे रहते वैसे वाले है। चिकन भी है तो चिकन को क्या करता हूँ मैं, इधर इधर ये पूरा नूडल्स ले लिए, के ऊपर ये पूरा चिकन डाले, के ऊपर राइस डालेंगे, राइस डाल दिए, के ऊपर टमाटे डालेंगे, डाल के इसको मुंह में घुसड़ रहे अपने, थोड़ा गर्म है, रिस्क ले रहा हूँ मैं। चिकन स्टेक बहुत अच्छा है, फ्लेवर्स में क्या है मेरे को जैसा स्पाइसीनेस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो तो नहीं आ रही मेरे को, लेकिन ओवरऑल पूरा वेल बैलेंस्ड है, मेरे को तो पसंद आया। आई एम श्योर अगर आपको भी सिजलर खाना है बोले तो ये 40 स्मोकी वाले के पास से खा लीजिए, 450 रुपीज में कुछ है। जब भी ऐसा गरम गरम मुंह को जला देने वाली चीज ले लिए बोले तो साथ में ये मोहितो भी ले लेना, क्योंकि जरा क्या है अपनी जबान को कूल ऑफ कर देता, ब्लू कैरोगा या तो फिर इसको ब्लू लगून बोलते अपन तो ले लिए भाई, उसमें ला जबरदस्त। ये हो गया, चलो नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। आहा क्या जबरदस्त ये पेरी पेरी पॉपकॉर्न है और क्रंची बर्गर ले लिया अपन चिकिंग के पास से, चिकिंग क्योंकि उन्होंने चिकन के किंग है और क्रिस्पी आइटम्स के भी किंग दिख रहे। अल्बेक पे खाए अपन, इसीलिए क्या है यहाँ का बर्गर ले लिया और यहाँ का एक स्टार्टर ले लिया अपन। चलो भाई खा के देखेंगे क्या मसाला दिख रहा है और इस पे आए हाय 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 पॉपकॉर्न के ऊपर। जबरदस्त चटपटा मसाला है उसके ऊपर और ऑब्वियसली वो मायोनीज भी डाल के क्या है मालूम जूती बना दिए, बहुत प्यारा है ये आखिरी सॉसी मायोनीज भर दिए वैसा चिकन बर्गर दिख रहा, अंदर देखे तो आखिरी चीज वीज भरे हुआ है। इराक अद्भुत समझ में आ गया कि भाई गुरशीद भाई फूड ब्लॉगर है बोल के अपने लिए स्पेशल बनाया वैसा दिख रहा मेरे। चलो भाई बिस्मिल्लाह। हाँ बाइट लिया जब मैं जैसा बोला आपको आखिरी मायोनीज और सॉसेस भरे हुए उसके अंदर चीज भरे हुआ है, लेकिन जो लेटस है जो बर्गर का बन है वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा अंदर के उनके क्रिस्पी चिकन फिलेट से, अच्छी खासी क्वांटिटी है उसकी। आई थिंक 180 रुपीज का एक बर्गर है, लेकिन कम्पेयर टू दूसरे चीजा जिसमें 350 रुपए में कोई 500 रुपए में या इवन जो रोल भी खाया अपन वो भी गया 150-200 के अतराफ है, तो उसके मुकाबले ये भी सुपर वैल्यू फॉर मनी है, टू गुड है, बजट पे है तो ये वाले आइटम भी आप खा के देख सकते। जबरदस्त कुछ मिंट फ्लेवर्ड अंदर नींबू है, लाइम है, तो आई थिंक बहुत जबरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक रहने वाला है ये, सही समझा था। आ हा 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 क्या जबरदस्त है भाई, वाह बहुत रिफ्रेशिंग है, लाइम थोड़ा आई डोंट नो वो क्या है एग्जैक्टली, लेकिन टू गुड था, हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया बिकॉज अपन फूड ब्लॉगर है भाई। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। जबरदस्त मेरे को यहाँ पे सुलेमानी चाय के जैसा रहता है ना, सुलेमानी टी उसका एक ब्रांड मिल गया, नाम ही जिसका क्लब सुलेमानी है, वहां से क्या करे कश्मीरी कावा कावा जो रहता है ना वो ले लिए, बेसिकली डिकॉशन नहीं रहता वो, उसके अंदर क्या क्या की जबरदस्त एलिमेंट्स डाल दिए, वो पी के देखना पड़ेगा अपने को कैसा है। इलायची आ गई। टिपिकल सुलेमानी चाय जो रहती ना वैसी है, उसके साथ साथ अंदर क्या है मालूम सैफ्रॉन जिसको बोलते हैं आप, जाफरान जिसको बोलते लोग, वो इलायची है, कार्डिमम, कुछ रोज पेटल्स भी दिख रहे मेरे को, लौंग भी है, आई डोंट नो पुदीना दिख रहा, कोथमीर क्या है आई डोंट नो ब्रदर, बट ऑल इन ऑल जिसको भी खावा पसंद है, जिसको भी सुलेमानी चाय पसंद है वो यहाँ पे से ट्राई कर ले सकते। ब्राउन शुगर भी दे दी ना, ब्राउन शुगर डाल के और मीठी कर देंगे, 120 रुपए का यार। चलो भाई ब्राउन शुगर मिला दिया इसमें अपन, थोड़ा मीठा करने इसको मीठा कर दिए, 120 रुपीज का है ये, तो ठीक है देखेंगे अब पैसा दिया। आई एम श्योर बहुत अच्छा है ये, मैं जरा चाय वाला आदमी हूँ, मेरे को ये चीज़ें उतना दिल को नहीं लगते, आई एम श्योर फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स और क्वालिटी में एकदम आला उमदा किरा की चाहिए, मेरे को नहीं मालूम इसलिए मैं गवार हूँ इसमें, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। लड़ाई हो गई तो क्या हुआ बे बोलते, बबल टी ना बोले तो बबल बे बोलते, क्या जबरदस्त बबल टी बोबा की बना दी है इन्हों, ये न्यूटेला चोको ब्राउनी है, का बनाने का प्रोसेस से मैं बहुत इंप्रेस हो गया, क्या की कैन वैन लगा के दे दिए, अब कैसा है टेस्ट में वो देखेंगे। चलिए अब वाह ये कैन खोल के स्ट्रॉ इतना मोटा है इसका, घुसड़े तो घुसड़ रहा नहीं, चलो भाई जान दो कोई बात नहीं, कैसा है टेस्ट में वो देखेंगे। भैया अच्छा है, साथ में वो जो बोबा जा रहे ना बकरी के फटाफट के वैसे रहते थे वो, खाने में नहीं बोल रहा हूँ दिखने में बोल रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है टेस्ट में जबरदस्त रहते हो, कैसे बातें करते हो। न्यूटेला का वो मिल्क शेक के वैसी है पूरा ब्राउनी मिल्क शेक, लेकिन वो जो बबल आ रहा ना बबल टी पूरा चबाने का काटने का रहता, टू गुड है, ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन लोग क्या है मालूम, टर्किश आइसक्रीम के लिए ट्राई कर रहे, टर्किश आइसक्रीम है भाई, विच इज द बेस्ट फ्लेवर, whichever is the best flavor according to you, give me that. Yes. Chocolate, vanilla, chocolate. भाई, भाई, भाई. अरे, ये क्या भाई खाली दे दिया उन्हें। अरे, अरे. One and
क्या कर रहा भाई, खेल ले रहे अपने साथ दोनों? या ये तो ऐसा मुंह को ऐसा निवाला दिखा के छीन ले रहे अपने साथ। इन्हें खेल ले रहे खुद। जान रहा हम्मा दे दो रहा भाई, मेरे को भूख लग रही। दे रहा इन्हें वही अन्ना। My name is Khurshid. Nice. It was very nice. Thank you so much. खेल के किन्निया कर रहा हूँ ना तेरे। थैंक यू सो मच। ये मिलता नहीं ऐसा दिख रहा मेरे को। मिल गया। थैंक यू सो मच। डिंग डिंग डिंग। नाइस। थैंक यू सो मच। हाँ 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 भाई देखो, वो टर्किश आदमी तो मेरे साथ खेल लिया, मैं ये पूरी जगह के साथ खेल लिया। ये था अपना लुलू मॉल का फूड कोर्ट। लुलू में बहुत बड़ा है यहाँ पे, इनके अपने खुद के लुलू मॉल हाइपर मार्केट बोल के। उधर उधर नॉनवेज के लिए किचन है और चाट है, वेजिटेरियन है, सैलड्स है, उसके अलग वीडियोज आने वाले हैं। ये वाला वीडियो सिर्फ फूड कोर्ट की हद तक का, मेरा काम तो फिरते रहना है, खाते रहना है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जब तक ये टर्किश आइसक्रीम वो भी ट्रिपल स्कूप वाली 200 रुपए की है, कहते यार पूरे पैसे उन्हें अपना मजाक उड़ाने के थे। लोग आजकल पैसे देके अपना मजाक उड़ा ले रहे हैं। क्या जबरदस्त मसला है। एनी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मेरे भाई। टाटा भाई। भाई लुलू हाइपर मार्केट में अपन फोटोग्राफी नॉट अलाउड, वीडियोग्राफी नॉट अलाउड बोल दिए उन्होंने तो। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ से निकल गया। देखेंगे कहाँ कहाँ और शूट कर सकते हैं अपन। बढ़िया यार, वो हर चीज़ है यहाँ पे, यकीन हो रहा मेरे को। मतलब किचन, बेकरी, वो ये फलाना ढिकाना।